परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को गिफ्ट मिलने के मामले में कहा कि अब परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रिटायरमेंट पर महंगे गिफ्ट नहीं ले सकेंगे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए सरकार ने अधिकारियों के गिफ्ट लेने पर रोक लगा दी है। मूलचंद शर्मा ने बताया कि विभाग में रिटायरमेंट के दौरान महंगी गाड़ी और दूसरे गिफ्ट लेने की शिकायत मिल रही है। नहीं, हमारे पूरे हरियाणा में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो नीति है कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है, और हम ये तो नहीं कहते सब कुछ ठीक हो गया, पर धीरे धीरे छोटे छोटी जो जानकारी मिलती है कि कोई भी रिटायरमेंट पर कोई इस तरह का गिफ्ट नहीं देगा, और जिससे क्या है कि गिफ्ट देने के बाद उसकी उभाई होती है और जिससे गलत मैसेज आता है। इस तरह के गिफ्टों पर हमने रोडवेज में कोई यूनियन का साथी किसी अधिकारी को देगा, इस तरह की हमने तय किया है कि भाई इस तरह का कोई महंगा गिफ्ट नहीं देगा। जो रिटायरमेंट है उसका जो नियम है उसी के हिसाब से नहीं, जाने आने में परेशानी है, जाना चाहिए, आना भी चाहिए, सम्मान करते हैं, यार हैं रिश्ते महकमे। इस तरह के जो भ्रष्टाचार, गाड़ी भेंट होना, महंगी गाड़ी कैश देना, गाड़ी देना 5-5, 6-6 लाख की, 7-7 लाख की गाड़ी देना, ये सब भ्रष्टाचार की बूम नहीं, सभी को करनी चाहिए। हमने परिवहन से अपनी शुरुआत की है और जहाँ होता वहीं कहता है कि दूसरे महकमे में नहीं होता, अगर किसी महकमे में है तो इस तरह के वो रोकना चाहिए। इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और हमने इस तरह के भ्रष्टाचार बैन लगाया कि कोई भी यूनियन हो, अधिकारी हो, कोई इस तरह का महंगा गिफ्ट रिटायरमेंट पर नहीं देगा और ना इस तरह की कोई देने का प्रयास करें, कि इससे क्या है कि उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और उसके खिलाफ जानकारी जो हम मिलती है कि इस तरह की जानकारी हमें मिली थी उन खिलाफ हम कार्रवाई की।